हम अपने घरों के लिए ऐसी कितनी ही चीजें खरीदते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। इफ दे आर स्मॉल और इनएक्सपेंसिव, वी डोंट बॉदर मच अबाउट बजटिंग। पर वही अगर कोई बड़ी आइटम हो, जैसे कि टीवी, फ्रिज एटसेट्रा, तो हम चार जगह जाकर प्राइसेस को टटोलते हैं और फिर जो शॉप हमें बेस्ट ऑफर देती है दैट फिट्स आवर बजट, तभी हम वो वहां से खरीदते हैं। अब इतनी सी चीज के लिए हमें इतना रिसर्च और बजटिंग करना पड़ा हो, तो जस्ट इमेजिन व्हेन वी आर प्लानिंग टू रीडेकोरेट एन एंटायर ऑफिस और हाउस, हमें क्या क्या और कितनी चीजों की डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी। हेलो फ्रेंड्स, हम हैं इंडियन डिजाइन लीग। वी हेल्प एमेच्योर्स, प्रोफेशनल्स, एक्सपर्ट्स एंड एंटरप्रेन्योर्स टू टर्न देयर स्पेशलाइज्ड नॉलेज, टैलेंट्स एंड एबिलिटीज इनटू अ करियर एंड बिजनेस दैट वर्क्स सो वेल दैट दे कैन लिव द लाइफस्टाइल दे वांट एंड अचीव पीस ऑफ माइंड, फाइनेंशियल फ्रीडम एंड अ करियर फॉर लाइफ। जैसे हम अपनी स्पेस के लिए इतनी डिटेल्स में जाते हैं, तो सोचो जब आप इंटीरियर डिजाइन एज अ प्रोफेशन या बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, देन देयर इज सो मच इंफॉर्मेशन दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ, लाइक बिजनेस एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, वैरायटी ऑफ बिजनेस फॉर्म्स, टेंडर्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, साइट मैनेजमेंट, क्लाइंट हैंडलिंग, स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस, साइट मैनेजमेंट, हाउ टू मेजर अ साइट, BOQ and learn how to estimate a range of specifics of a space. Also, if you wish to get acquainted with the essential service systems like water supply, drainage, ventilation, firefighting, lighting and much more, aur uska significance janna hai, to we'd recommend you to sign up for the basics of service system course by IDL. The course is designed in a way that will help hobbyists, aspiring and professional creators, artists, bloggers, stylists and designers learn the technical and creative aspects of business interactions and BOQ. तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके ज्ञान का भंडार अभी भरने वाला है. Let us take a quick overview of what all is covered in this course. Topic 1. Interior designer. You will understand interior design as a profession and also know about the types of businesses, business development, its procedures and many aspects related to the same. इस टॉपिक में आप इंटीरियर डिजाइनर होने के सारे की कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ बाकी एसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोफेशन एंड द इंडस्ट्री भी जानेंगे. टॉपिक 2. करियर अपॉर्चुनिटीज. इंटीरियर डिजाइनिंग फील्ड काफी वास्ट है एंड सो आर इट्स एप्लीकेशंस. ऐसे ही वास्ट स्कोप ऑफ वर्क एंड करियर अपॉर्चुनिटीज का खुलासा करता है ये टॉपिक. टॉपिक 3. प्रोफेशनल एथिक्स. हर इंडिविजुअल के खुद के, अपनी फैमिली, सोसाइटी, प्रोफेशन, कलीग्स और क्लाइंट्स के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है. Professional ethics covers such responsibilities and practices जिन्हें commonly code of conduct और code of ethics से refer किया जाता है. अब ये exactly क्या है? What is its purpose and what are the common practices? This chapter answers all these questions. Topic 4. Independent practice setup. इस टॉपिक में आप न सिर्फ इंडिपेंडेंट बिजनेस प्रैक्टिस स्टार्ट करने के सेटअप के बारे में जानेंगे, बल्कि यू विल आल्सो लर्न द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मोटिवेशन एंड रिस्क फैक्टर्स एंड इंडिपेंडेंट सेटअप के कुछ डूज एंड डोंट्स एज वेल. टॉपिक 5. साइट मैनेजमेंट. क्या आप टीम को कैसे मैनेज करें, कौन सा काम प्रायोरिटाइज करें, कौन से सेफ्टी प्रिकॉशंस लें, प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट कैसे करें, लोगों से कोऑर्डिनेट कैसे करें और ऐसे ही कई सवालों से परेशान हैं, वरी नॉट. आपके साइट मैनेजमेंट से रिलेटेड डाउट्स जैसे कि साइट ऑर्गेनाइजेशन, स्टोर्स मैनेजमेंट, सेफ्टी मैनेजमेंट, साइट परचेज, बिलिंग, कोऑर्डिनेशन विद HO
और कई सारे सवालों के जवाब हैं इस सेशन में। हर डिजाइनर और आर्किटेक्ट को ये सेशन देखना ही चाहिए। टॉपिक 6, टेंडर्स। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस बेस्ड बिजनेसेस में टेंडर्स भरना काफी कॉमन है। इन टेंडर्स का पर्पस होता है टू ग्रो बिजनेस। टेंडर से रिलेटेड की पॉइंट्स लाइक इनविटेशन टू ऑफर, टेंडर नोटिस, सेट ऑफ ड्रॉइंग, बिल ऑफ क्वांटिटीज, स्पेशल कंडीशंस, एब्स्ट्रैक्ट शीट एटसेट्रा के बारे में अगर आपको जानना है, देन यू मस्ट रेफर टू दिस चैप्टर। टॉपिक 7, क्लासिफिकेशन ऑफ टेंडर। अगर टेंडर गलत फिल किया गया तो ना सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होता है बल्कि आपके पैसे भी बर्बाद होते हैं। टेंडर्स के पर्पस उनके हिसाब से क्लासिफाई किए जाते हैं। सिमिलर इज एप्लीकेबल फॉर टाइप्स ऑफ टेंडर्स। दिस चैप्टर कवर्स द एसेंशियल्स रिगार्डिंग द सेम। टॉपिक 8, बिजनेस फॉर्म्स पार्ट 1। इस टॉपिक में आप अलग अलग बिजनेस फॉर्म्स, उसके पर्पस और सिग्निफिकेंस के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स भी पाएंगे। आपके रेफरेंस के लिए बिजनेस फॉर्म टेम्पलेट्स लाइक बिल, स्टेटमेंट, रिसिप्ट एटसेट्रा भी दिए गए हैं। टॉपिक 9, बिजनेस फॉर्म्स पार्ट 2। डिफरेंट सिचुएशन डिमांड डिफरेंट फॉर्मेट्स, राइट? आपके रेफरेंस के लिए इस सब्जेक्ट में नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ टेंडर और वर्क ऑर्डर के फॉर्मेट्स के साथ साथ टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट्स लाइक इंटरिम सर्टिफिकेट, पेनल्टीमेट सर्टिफिकेट, फाइनल सर्टिफिकेट और प्रोजेक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट्स, वाउचर, फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एटसेट्रा भी दिए गए हैं। टॉपिक 10, द क्लाइंट। किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ क्लाइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी नीड लीड्स फॉर दैट। इस टॉपिक में न सिर्फ आप टाइप्स ऑफ क्लाइंट्स के बारे में जानेंगे बल्कि यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड देम एंड डील विद देम। टॉपिक 11, प्रोसीजर ऑफ एग्जीक्यूशन। आपने क्लाइंट ढूंढ तो लिया और उसके डिजाइन फाइनलाइज भी कर ली, देन द नेक्स्ट स्टेप इज एग्जीक्यूशन। इस चैप्टर में आप प्रोसीजर ऑफ एग्जीक्यूशन से एसोसिएटेड की टर्म्स एंड फैक्टर्स के बारे में सीखेंगे। टॉपिक 12, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड रेट्स एनालिसिस। बजट इज एट द कोर ऑफ एवरी प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट एस्टिमेट कैसे किया जाता है, वॉट इज बिल ऑफ क्वान्टिटीज और एस्टिमेशन से लिंक्ड टर्म्स एंड फैक्टर्स का कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है ये टॉपिक। टॉपिक 13, स्पेसिफिकेशन। 6x25 mm ये क्या है? हो सकता है ये किसी स्क्रू या फिर टाइल के स्पेसिफिकेशंस हो, राइट? सो व्हाट आर स्पेसिफिकेशंस? इसका बजटिंग पे क्या इफेक्ट है? इट्स टाइप्स, टिपिकल स्पेसिफिकेशंस, जनरल स्पेसिफिकेशंस और अ वैरायटी ऑफ मटेरियल स्पेसिफिकेशंस आर इनकॉर्पोरेटेड इन दिस टॉपिक। टॉपिक 14, हाउ टू मेजर साइट। किसी भी साइट पे डिजाइन और एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने से पहले इट इज वाइटल टू नो इट्स डाइमेंशंस। इसका मेजरली इफेक्ट एस्टिमेशन पे होता है और इसीलिए साइट के डायमेंशंस को एक्यूरेटली और रिस्पॉन्सिबली मेजर करना नेसेसरी होता है। दिस चैप्टर विल गाइड यू थ्रू द एसेंशियल्स ऑफ टेकिंग मेजरमेंट्स ऑफ अ साइट। टॉपिक 15, बेसिक्स यू शुड नो बिफोर डूइंग एनी एस्टिमेशन। डिजाइन से लेके एग्जीक्यूशन तक हर प्रोसेस में फाइनेंस लगता है। इस पूरे प्रोसेस में हर इंडिविजुअल और प्रोसेस का कॉस्ट अलग होता है। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एस्टिमेशन को इंपैक्ट करते हैं और इन फैक्टर्स को कैसे कंसिडर करते हैं, इसका ओवरव्यू प्रोवाइड करता है ये टॉपिक। साइमल्टेनियसली इट शेड्स लाइट ऑन यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट फॉर एस्टिमेशन एंड इलेबोरेट्स द सेम फॉर पेंटिंग। टॉपिक 16, How to calculate estimate for false ceiling. इस टॉपिक में यू विल गेट प्रैक्टिकल insights on what and how of calculating estimate for false ceiling, along with considering some standard measurements and rates given for your reference.
टॉपिक 17, हाउ टू कैलकुलेट एस्टिमेट फॉर फ्लोरिंग। फॉल्स सीलिंग सब्जेक्ट की तरह ही इस सब्जेक्ट में आप फ्लोरिंग से रिलेटेड एस्टिमेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। ऑल्सो एडिशनल डूज एंड डोंट्स ऑफ फ्लोरिंग एंड टाइल्स हैव ऑल्सो बीन गिवन फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। टॉपिक 18, हाउ टू कैलकुलेट एस्टिमेट फॉर इलेक्ट्रिकल। इस सेशन में यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिकल एस्टिमेट्स एंड विच फैक्टर्स टू कंसिडर लाइक फिक्स्चर्स, फिटिंग्स, वायरिंग नेटवर्क, स्विचेस व्हेन गिविंग अ कोटेशन। एडिशनल इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डूज एंड डोंट्स आपके रेफरेंस के लिए दी गई हैं। हाउ टू कैलकुलेट एस्टिमेट फॉर ओवरहेड कैबिनेट। कैबिनेट न सिर्फ एक स्टोरेज ऑप्शन है बल्कि सही मटेरियल और पोजीशन से एक स्पेस का एस्थेटिक्स भी इन्हांस करता है। देर आर अ वेराइटी ऑफ कैबिनेट्स अवेलेबल इन द मार्केट टूडे जो डिफरेंट मटेरियल्स में अवेलेबल हैं। हर मटेरियल की क्वालिटी एंड कॉस्ट डिफर करती है और कैलकुलेटिंग मेथड भी। दिस चैप्टर थ्रोज लाइट ऑन द सेम। पूरी प्रोसेस एग्जाम्पल्स की मदद से एक्सप्लेन की गई है। टॉपिक 20, हाउ टू कैलकुलेट एस्टिमेट फॉर ओपनेबल वार्डरोब। ओवरहेड कैबिनेट की तरह ही इस टॉपिक में यू विल लर्न हाउ टू कैलकुलेट एस्टिमेट फॉर ओपनेबल वार्डरोब कंसीडरिंग ऑल द एसेंशियल फैक्टर्स। टॉपिक 21, हाउ टू कैलकुलेट एस्टिमेट फॉर ग्लास डोर। ग्लास जितनी डेलिकेट होती है उतना ही केयरफुली उसे हैंडल करना पड़ता है। आप ना सिर्फ ग्लास डोर के एस्टिमेशन फैक्टर्स को समझेंगे बल्कि यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड किन एस्पेक्ट्स की वजह से ग्लास डोर इंस्टॉलेशन के कोट्स बढ़ सकते हैं ओनली थ्रू दिस टॉपिक। आइडियल के बिजनेस इंटरेक्शन एंड BOQ कोर्स से आप बहुत कुछ सीखेंगे। बात होगी करियर प्रोस्पेक्ट्स, बिजनेस एथिक्स, टेंडर एंड इट्स टाइप्स, बिजनेस फॉर्म्स, साइट मैनेजमेंट, हाउ टू मेजर अ साइट, हाउ टू कैलकुलेट BOQ ऑफ डिफरेंट एसेंशियल्स ऑफ अ स्ट्रक्चर की और हमारे लिए बहुत सारे ज्ञान की। ये तो बस एक बड़ी कहानी की छोटी सी झलक है। इंडियन डिजाइन लीग का ये बिजनेस इंटरेक्शंस एंड BOQ कोर्स strategically design किया गया है to equip students with the knowledge of the same। एक ऊंची इमारत सालों साल तक टिक पाती है क्योंकि उसकी नींव मजबूत होती है। And that's exactly what we intend on doing in this course। Additionally, आपको Indian Design League के resources का access भी मिलेगा, जहां downloadable PDFs होंगे, वो भी absolutely free। तो देर किस बात की, आज ही अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाने की तरफ पहला कदम लीजिए एंड लेट योर आर्ट स्पीक आउट। एनरोल नाउ एंड बिगिन योर जर्नी टू बिकमिंग अ रिमार्केबल डिजाइनर।